दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि अब PSUs के ऊपर मैं वीडियोस लाना शुरू करूंगा, आज ये पहला एपिसोड है और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट रैंक वन PSU, जिसको कहते हैं PSU का बाप कह सकते हो उसको आप। इससे बड़ा PSU भारत में नहीं है कोई। फैसिलिटीज़ के मामले में, सैलरी के मामले में, किसी भी एम्प्लॉय वेलफेयर के मामले में, किसी भी चीज़ में ये सबसे ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, वो कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी भारत की नंबर वन PSU है हर चीज़ में, चाहे ईयरली प्रॉफिट की बात कह लें, सबसे हाई प्रॉफिट पर रन होती है ये कंपनी। और इंडिया में एक लैंडमार्क है PSU के नाम पे, बाहर से भी इतना रिकग्निशन मिलता है इस PSU के नाम की वजह से इंडिया को। बात करते हैं कि आपकी इंट्रेंस कैसी होती है। आपको पता है जितनी भी इंजीनियर्स हैं वो सब के सब गेट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, अपीयर होके डायरेक्टली उनको मौका मिलता है ONGC में एंटर करने का। ठीक है, सबसे इजी तरीका है ONGC में एंटर करने का। हर साल एग्ज़ाम होता है गेट का, आपको रैंक लानी होती है 250-300 के अंदर। आपको ONGC कॉल करेगी और आपका इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन होते ही आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल हो गया, और ONGC का मेडिकल थोड़ा सा बाकी PSUs के कंपैरिजन में अच्छा होता है। बॉडी का पार्ट पार्ट पूरा चेक कर लेते हैं वो, क्योंकि पता है कि ONGC में जो है ना वर्किंग कंडीशन थोड़ा अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है इस जॉब के लिए। तो वो मेडिकल अच्छा लेते हैं आपका, अच्छा चेकअप करते हैं सब कुछ। तो बेसिकली जैसे ही गेट क्वालिफाई करके मेडिकल टेस्ट वगैरह अपना क्लियर करके जैसे ही ONGC आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पर आपको जाते ही ट्रेनिंग में लगा दिया जाता है। ट्रेनिंग होता है 6 मंथ का। ठीक है, उस सिक्स मंथ में 4 मंथ्स होते हैं जो एक्चुअल ट्रेनिंग होता है, एंड 2 मंथ्स होते हैं जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के नाम पे ट्रेनिंग होती है आपकी। ऑन जॉब ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं होती, वो बिल्कुल जॉब ही है। ठीक है, वो इसलिए ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं उसको, क्योंकि मैनेजर आपके काम को ऑब्जर्व करते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, इसको जो हम हायर किए हैं वो एक्चुअल में है कैसा, काम कैसा करता है, ब्रेन का कैसा है, दिमाग का कैसा है, बिहेवियर वाइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हो गया। और जो बचे जो 4 मंथ जो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, उसमें 2 मंथ ट्रेनिंग होती है आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि होता है ONGC देहरादून, पता है आपको, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे 2 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, और वो क्लासरूम ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे सरकारी होनी चाहिए। ठीक है, ढंग से क्लासेस नहीं लगती। ठीक है, वो किस दिन टीचर्स आ गए तो आपकी क्लासेस लग गए, टीचर्स नहीं आए तो क्लासेस नहीं लगे, बिल्कुल वैसा है। ठीक है, सरकारी है, सरकारी ऐसा ही होता है, वैसे आधा सरकारी है, जितने PSUs हैं वो सब आधे सरकारी हैं, लेकिन काम पूरा सरकारी होता है। तो कोई खास ट्रेनिंग सीखने के लिए कुछ वहाँ पे नहीं होता क्लासरूम ट्रेनिंग में, जो सीखते हैं हम फील्ड ट्रेनिंग में ही सीखते हैं। तो 2 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 2 महीने का फील्ड ट्रेनिंग होता है। ठीक है, उस फील्ड ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर भेजा जाता है कहीं पर, ताकि एक्चुअल वर्क लोकेशन, एक्चुअल काम क्या होता है वो देख सको आप, समझ सको क्या हो रहा है, ONGC करता क्या है और कैसे करता है, उस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए कि कैसे पूरा प्रोसेस जीरो से लेके एंड तक कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो समझने के लिए आपको 2 महीने की फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब जैसे ही आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग ख़त्म होती है, वहाँ बात आती है पोस्टिंग की। ठीक है, अब पोस्टिंग में क्या पोस्टिंग होगा, कहाँ पोस्टिंग होगा। अब 2 तरह की पोस्टिंग जनरली ONGC में होती हैं, एक या तो फिर आपकी फील्ड पोस्टिंग हो गई। ठीक है, आप फील्ड जॉब में हो, ठीक है, फील्ड एक्टिविटी में हो, या फिर ऑफिस ड्यूटी लग गई आपकी, 2 तरह की ड्यूटी लगती हैं। ठीक है, डिपेंड किस डिसिप्लिन से हो आप, क्या आपका स्ट्रीम कौन सा है, डिपेंडिंग कि कौन से डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग रहती है सब कुछ। ठीक है, हाँ, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट शुरुआती दौर में, शुरुआती करियर के शुरुआती टाइम में आपकी पोस्टिंग जो चांसेस ज़्यादा मिलने के, वो हैं आपको फील्ड पोस्टिंग ही मिलेंगी। ठीक है, अब इन 2 पोस्टिंग्स में जो पोस्टिंग आपको ऑफिस में मिलेगी वो, और दूसरा आपको जो फील्ड में मिलेगा आपको वो, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पोस्टिंग आपको ऑफिस में मिलेगी वहाँ पे फिक्स 8 आवर्स काम करने हैं आपको। 8 आवर्स के बाद क्या होता है ऑफिस के अंदर आपको मतलब नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस वाले ड्यूटी की। ठीक है, वहाँ पे तरह तरह के डिपार्टमेंट के लोग की पोस्टिंग होती है ऑफिस वाले में। ठीक है, जैसे फाइनेंस वाले हो गए, लीगल हो गए, अकाउंट्स वाले हो गए,
फिर जो मटेरियल मैनेजमेंट वाले हैं वो हो गए, इन सब की पोस्टिंग जो होती है जनरली ऑफिसेज में ही होती हैं, तो उनको बड़ा रिलैक्स रहता है। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे कंप्लीट किए उन्होंने। सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है, ONGC का क्वार्टर मिला हुआ है उनको, अपना ड्यूटी ख़त्म करके अपने क्वार्टर में, बड़ा रिलैक्स, बहुत चिल्ड जॉब है वो। जिनकी भी ऑफिस ड्यूटी है वो बहुत रिलैक्स काम है उनका, ठीक है, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, क्योंकि पता है फिक्स्ड आवर्स में काम करने हैं, फिक्स्ड आवर्स, ड्यूटी आवर्स ख़त्म हुआ, लॉग आउट करके सिस्टम, बाय बाय, ठीक है। और सरकारी है तो कोई रोकने वाला भी नहीं है आपको, कोई रोक भी नहीं सकता, कोई चाहकर नहीं रोक सकता आपको। बाकी सैलरीज वगैरह थोड़े से अप डाउन रहेंगे फील्ड वाले से, क्योंकि फील्ड पे काम करने का आपको पता है फील्ड अलाउंस भी होता है, करेक्ट है। अब फील्ड अलाउंस जुड़ जाता है, इसीलिए जो लोग भी फील्ड जॉब में हैं उनकी सैलरी हमेशा ज़्यादा होगी 15-20 हज़ार रुपये उन लोगों से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। अगर ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है तो आपको, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, आपको 75,000 रुपीज़ मिल रहा है इन हैंड, तो जो लोग फील्ड में जॉब कर रहे हैं, फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सैलरी एटलीस्ट 85 to 90 thousand के बीच में आएगी, 10 से 15 हज़ार डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको सैलरीज में। अब एक बार आप ज्वाइन कर लोगे जॉब करो ONGC में, ठीक है, चाहे वो फील्ड ड्यूटी में हो चाहे ऑफिस ड्यूटी में हो, तो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो प्रोज हैं कॉन्स हैं इस कंपनी में काम करने के। पहला प्रोज से मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉजिटिव साइड क्या है इसका, हाइस्ट सैलरी गवर्नमेंट बॉडी में मिलने वाला ये कंपनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा पेमेंट गवर्नमेंट बॉडी में कोई और नहीं कर सकता। सैलरी हो, इंसेंटिव हो, बोनस हो, अलावेंसेस हो, हर चीज़ के मामले में इसको कोई और मैच नहीं कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी इनके कंपनसेशन को मैच नहीं कर सकता, पहली चीज़ है। दूसरी, वर्क लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड रहती है, कोई हेक्टिक वर्क कल्चर नहीं है। अगर आपको ऑफिस ड्यूटी मिला है तो 8 घंटे में आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है और 5 वर्किंग डेज है, 2 दिन आपकी छुट्टी, ठीक है। अगर आपकी पोस्टिंग फील्ड में होती है तो 14 वर्किंग डेज आपको कंटिन्यू वहाँ पे काम करना है, 14 डेज कंटिन्यू आपका ऑफ है, तो कोई हेक्टिक कल्चर नहीं है वर्क कल्चर, ठीक है। तो वर्क लाइफ अच्छे से बैलेंस होता है, फैमिली के साथ समय बिताने का इनफ टाइम मिलता है, इतना मिलता है कि घर वाले भी बोलेंगे कुछ कर लो जीवन में तुम, ठीक है। दूसरा, एक इतनी बड़ी कंपनी में काम करना, एक इंजीनियरिंग के इंजीनियर लेवल के पोस्ट पे, एक ऑफिसर लेवल के पोस्ट पे आपकी एक सोशल रिस्पेक्ट बढ़ती है, जो कि आप भी फील करते होगे, आप जहाँ भी रहते होगे आपको पता होगा, अगर कोई ONGC में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर लगा हुआ है, GM वगैरह बने हुए हैं वहाँ के, उसकी रिस्पेक्ट देखना कितनी होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। चौथी चीज़, जितनी भी तरह के जो आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, आपकी फाइनेंशियली चीज़ें सारी कवर करते हैं वो, ठीक है। आपको कार लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, आपको ये लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, सब चीज़ ONGC आपको दिला सकती है वेरी इजीली, कोई बड़ा पेपर वर्क भी नहीं है, बहुत इजीली आपको मिल सकता है, बहुत इजीली और अच्छे खासे अमाउंट में मिल सकता है आपको, इतना अमाउंट कि आप उससे अपना घर बना सकते हो, अपनी गाड़ी ले सकते हो, सारा कुछ, अपने सारे शौक आप 30 साल के एज के अंदर पूरे कर सकते हो, जो बाकी लोगों को उस सारी चीज़ें खरीदने में ना 50-50 साल तक एज बीत जाता है, वो आप मात्र अपने 25 से 28, 27, 29 साल की एज में सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हो बहुत ईजीली, ठीक है। उसके बाद आपके हेल्थ का सारा जो भी इंश्योरेंस कवर वगैरह है वो सारा कुछ डन करके रखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरह की कंपनी है जहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सोच रहे हैं, ठीक है, आपको बस काम करने की ज़रूरत है मन लगाकर, ठीक है। अब कॉन्स के ऊपर आते हैं, जो मैंने कुछ नोट डाउन करी है कॉन्स वहाँ की, वो कॉन्स कुछ इस तरह के हैं कि थोड़ा सा मैनेजमेंट बहुत स्लो है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको HR या मैनेजमेंट से करवानी हो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमा चलते हैं, सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई गारंटी नहीं इस बात की, ठीक है। तो मैनेजमेंट को लेकर जो भी काम है वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है कह सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वहाँ के HR और मैनेजमेंट से रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग फील्ड ड्यूटी में हैं, ऑफशोर ड्यूटी में हैं, ठीक है, उनको लगता है कि थोड़ा सा ड्यूटी जो है उनका है वो थोड़ा टफ है, थोड़ा हार्श है, लेबर टाइप का काम करना पड़ता है, ऐसा भी लोग कहते हैं कुछ लोग। तो हाँ, शुरुआती दौर में, शुरुआती जो पोस्टिंग आपकी मिलती है, फील्ड ड्यूटी मिलती है, वहाँ पे थोड़ा सा काम आपके लिए टफ रहता है, ठीक है। तो काम टफ रहेगा फील्ड ड्यूटी वाले में एज़ कम्पेयर टू ऑफिस ड्यूटी,
ठीक है, करियर ग्रोथ जो है बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, एक पोस्ट से आपकी दूसरी पोस्ट चेंज होने में बहुत समय लगता है, काफ़ी समय बीत जाता है वहाँ पे करियर ग्रोथ लेने में, तो वो सच्चाई है उस पर। चौथी चीज जो आप बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में देखते हो कि एक अथॉरिटी वाली फील होती है ना कि मैं यहाँ का इंजीनियर हूँ, वो होती है ना, आप देखते होगे जो जेई वगैरह, स्टेट जेई वगैरह होते हैं, स्टेट एई वगैरह होते हैं, फिर यूपी से निकल निकल कर जो हमारी पोस्ट पे काम करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल कर, तो थोड़ा सा एक अथॉरिटी होता है अपने काम में कि मैंने जो कह दिया वो तुम्हें करना है। वो अथॉरिटी जो होती है ना बातों में कि हम जो बोलेंगे वही होगा हमारे डिपार्टमेंट में, वो अथॉरिटी आपको ओजीसी में देखने को नहीं मिलेगी। पावर अथॉरिटी नाम की चीज़ें पीएसएस में नहीं होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको जो हमारी गवर्नमेंट एंटिटी है कंप्लीट वही मिल सकती हैं। लास्ट कॉन्स जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, ये जो कॉन्स है जितने भी कॉन्स मैंने बताए वो मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही कॉन्स है जिसको मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको, कि थोड़ा सा जो वर्क कल्चर है ना, थोड़ा सा वर्क जो काम है वहाँ का, वो ड्यूटी बहुत मोनोटोनस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसी एक्साइटिंग कुछ करने को नहीं मिलता। सेम काइंड ऑफ जॉब कर रहे हो 5 साल, 7 साल, 10 साल, कब तक करोगे? एक टाइम आएगा थक जाओ कि भाई कुछ और बताओ, है ना। तो जॉब बहुत मोनोटोनस है, और जिसको भी थोड़ा सा एक्साइटिंग, कुछ इनोवेटिव करने का मन हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने का मन हो कि नहीं मैं कुछ ये ट्राई करके देखूंगा, वो ट्राई करके देखूंगा, कुछ बढ़िया करना है, ऐसा करना है जिसका कुछ रिजल्ट हो, कुछ इम्पैक्ट हो, वो लोग पीएसयू में काम नहीं कर पाएंगे। मैं फैक्ट बताता हूँ, पीएसयू एक राजाशाही वाली नौकरी, मैं कहता हूँ उसको राजाशाही वाली नौकरी है, जहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जो ड्यूटीज़ जो टास्क आपको बता दिए गए हैं वही आपको परफॉर्म करने हैं, वही आपको कई कई सालों तक करना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ONGC का वीडियो मैं लेकर आ गया आपके लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे पीएसयू का नाम मुझे बताते जाओगे कि कौन से पीएसयू का कल्चर आपको जानना है, कौन से पीएसयू में कैसा काम है, कैसी ड्यूटी होती है, कैसा पोस्टिंग होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है वहाँ पर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। आप पीएसयू का नाम मुझे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं पिक कर लूँगा वहाँ से, और आपको कंटिन्यू अब वीडियोस सीरीज़ में देखने को मिलेंगी सारे पीसेस के ऊपर, इंडिया में जितनी पीसेस हैं सबके ऊपर आपको जानने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जो पहले से आ रहे हैं वो एक्टिव हो जाएँ, बेल आइकन प्रेस कर लो आप, क्योंकि वीडियोज़ कंटिन्यू आती जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से फ्री हो चुका हूँ तो वीडियोज़ अब कंटिन्यू आती जाएंगी। ठीक है, तो बने रहें चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।